नमस्कार दर्शकों, बुध ग्रह 22 सितंबर को कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर काल में बुध 14 अक्टूबर को बकरी चाल चलेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे और फिर 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अशुभ और शुभ पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम पहले बात कर देते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए नए कार्य व्यापार को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी परिवर्तन के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। शादी विवाह से संबंधित वार्ता भी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे हो सकते हैं। विदेशी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर सावधान रहें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कर्ज के लेन देन से सावधान रहें। स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे। आपके अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कामयाबी के लिए छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। प्रेम संबंधी मामलों में भी मन मुटाव बन सकता है। संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। कष्टकर यात्रा के योग हैं। मिथुन राशि। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता हासिल होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। संतान प्राप्ति के योग हैं। काफी समय से पड़े लंबित कार्य पूरे होंगे। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे। बड़े भाइयों से आर्थिक सहयोग मिलेगा। कुछ अधिकारियों से भी मधुर संबंध बनाए रखें। कर्क राशि। मकान वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। मित्रों अथवा संबंधियों से सहयोग मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों तथा शीर्ष अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। सिंह राशि। कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। शासन सत्ता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सही कार्य करेंगे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन करना सफल रहेगा। कन्या राशि। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। किसी महंगी वस्तु का क्रय करेंगे। मकान अथवा वाहन खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। झगड़े विवाद से दूर रहें। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। तुला राशि। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में मधुरता आएगी। प्रेम विवाह करने का निर्णय अच्छा रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वृश्चिक राशि। आपके ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की भी अधिकता रहेगी। विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन करना भी सफल रहेगा। झगड़े विवाद से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। लेन देन के मामलों में भी सावधान रहना पड़ेगा। धनु राशि। कार्य व्यापार में कुछ बाधा आने के बाद ही सफलता मिलेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा शीर्ष अधिकारियों से संबंध बिगड़ने ना दें। दैनिक व्यापारियों के लिए समय और अनुकूल रहेगा। शादी विवाह संबंधित वार्ता सफल रहेगी। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत होंगे। छात्रों को प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेम विवाह के भी योग हैं। मकर राशि। मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। जमीन जायदाद से जुड़े कुछ मामलों का निपटारा होगा। वाहन खरीदने के भी योग हैं। विदेशी कंपनियों में सर्विस आदि के लिए आवेदन करना होगा। मित्रों तथा संबंधियों से भी अच्छे संबंध बनेंगे। कुंभ राशि। कार्य में चुनौती के बाद ही अच्छी सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी चिंता भी दूर होगी। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। अपनी ऊर्जा शक्ति एवं सामर्थ्य का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। मीन राशि। अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। आपके यश एवं प्रभाव की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। X9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।